उत्तराखंड में अनेकों प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं, उन्हीं में से गंगनाथ भी एक है। गंगनाथ पूरे उत्तराखंड में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। घर घर में उनके मंदिर हैं, उनके असंख्य भक्त हैं, वो न्यायकारी देवता हैं। उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में गंगनाथ की कथा को यहाँ के जगरिए के द्वारा गाया जाता है, जिसे समझना सहज नहीं होता है। इसीलिए हम इस कथा को बड़े ही सरल भाषा में आपको बताने जा रहे हैं। गंगनाथ की कथा को हमने कुछ खंडों में अपने YouTube चैनल जयलाल वर्मा उत्तराखंड में डाला है। आप सभी मित्रों से हमारी गुजारिश है, आप उत्तराखंड से जुड़ें, क्योंकि सारा विश्व जिसे देवभूमि के नाम से जानता है, वह देवभूमि यूं ही नहीं बन गया। तो आइए गंगनाथ प्रथम खंड को शुरू करते हैं। धनी भगवाना प्रभु धनी ओ नारायण गिरिय बोला लियो न ओ बुधिया गंगाई ये जाय डूटी लगाड़ मा जा। गंगनाथ की जो कहानी अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत अधिक पुरानी नहीं है, बल्कि यह कहानी तब की है जब दिल्ली में औरंगजेब का शासन था। चारों तरफ मुस्लिम धर्म का दबदबा था। अधिकतर हिंदू राजा औरंगजेब के भय से छोटे छोटे प्रांतों में शरण ले रहे थे। उस समय अल्मोड़ा जिला एक राज्य था और जिसका क्षेत्र काफी दूर दूर तक फैला था। तब अल्मोड़ा में चंद्रवंश के राजा चंद शासन करते थे, जो काफी उच्च विचार के थे। उन्होंने पूरे राज्य में काफी मंदिरों का निर्माण करवाया था। एक बार राजा के पुत्र की तबीयत काफी खराब हो गई। पुत्र की हालत देख राजा तथा रानी दोनों ही अत्यधिक दुखी हो गए। ठीक ऐसे समय में अपने धर्म की रक्षा के लिए एक जोशी ब्राह्मण अपनी पत्नी तथा पुत्री भानु के साथ अल्मोड़ा आए। क्योंकि उन्हें आयुर्वेद का काफी अच्छा ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने राजा के राजमहल में शरण ली और उनके बेटे का उपचार करने लगे। बस फिर क्या था, उनके उपचार से जब राजा का पुत्र ठीक होने लगा, तो राजा ने उस ब्राह्मण जोशी जी को अपने राज दरबार में सम्मान के साथ रहने की इजाजत दी। इतना ही नहीं, राजा ने जोशी जी को मंत्री पद भी दे दिया और राज्य के पूजा पाठ की पूरी जिम्मेवारी उन्हीं पर छोड़ दी। बस फिर क्या था, धीरे धीरे जोशी जी की ख्याति बढ़ने लगी और राजा राजकाज के कार्यों में उनसे सलाह भी लेने लगे। काफी दिन बीतने के बाद एक दिन राजा ने जोशी जी से कहा, आप काफी दूर से हमारे राज्य में आए
और यहाँ आने में भीषण जंगल तथा खतरनाक वन्य जीवों से अपने आप को आपने कैसे बचाया? इस पर जोशी नाम के उस ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जैसे इतनी खतरनाक बीमारी से आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा और आपके पुत्र ठीक हो गए, ठीक उसी तरह उसी भगवान ने संपूर्ण मार्ग में हर परेशानी से हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ एक वीर को भेजा और उस वीर ने हमारे प्राणों की रक्षा भी की। अभी जोशी जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी तभी राजा बीच में ही बोल पड़े, उसका क्या नाम है, हम उससे मिलना चाहते हैं। राजन, काफी समय बीत गया है, तब वह हमें जंगल में मिला था और अपना नाम गंगनाथ बता रहा था। अब इस समय वह कहाँ है बताना हमारे लिए मुश्किल है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, अगर मिले तो आपसे जरूर मिलाऊंगा। कहते ही राजा से इजाजत लेकर जोशी जी अपने घर को चल पड़े। अभी जोशी जी घर पहुंचे ही थे, अचानक उनकी आंखें तब खुली की खुली रह गई जब अपनी बेटी भाना के साथ उन्होंने गंगनाथ को बातें करते देखा। गंगनाथ और भाना आपस में प्रेम करने लगे थे और शादी करने की बातें कर रहे थे। जोशी जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, जिस धर्म को बचाने के लिए वो अपने जन्म स्थान छोड़कर यहां आए, जिस धर्म को बचाने के लिए औरंगजेब के डर से वो भीषण जंगलों में छुपे रहे, क्या बेटी भाना और गंगनाथ के विवाह से वो धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, वो कदापि इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। स्नेही मित्रों, तो ये थी उत्तराखंड के आराध्य देव गंगनाथ तथा भाना के प्रेम कहानी का प्रथम खंड, और आपसे प्रार्थना करता हूँ आप इसके अगले खंड को भी जरूर देखें। मैं आपका दिल से आभारी हूँ क्योंकि आप सबके असीम प्यार से हमारे यूट्यूब चैनल जयलाल वर्मा उत्तराखंड पर प्रतिदिन देश विदेश के असंख्य लोग जुड़ रहे हैं। हमारी संस्कृति देश विदेश के लोगों के करीब जा रही है, यह एक पूर्व सैनिक अर्थात मेरे लिए गर्व का विषय है। हमारी आपसे प्रार्थना है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें, इससे हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हम उत्तराखंड की ऐसी ही कहानियों को आपके सन्मुख इसी तरह से लाते रहेंगे।
पोधिया धनी भगवान।